हे गाइस, कलर ग्रेडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो एडिटिंग का। तो जब भी हम किसी कैमरे से या फिर मोबाइल फोन से वीडियो शूट करते हैं तो उसमें जो कलर्स होते हैं वो उतने परफेक्ट नहीं होते हैं, इन्हें हमें वीडियो एडिटिंग के दौरान एडजस्ट करना होता है। लेकिन गाइस, प्रॉब्लम तब आती है जब हम काइनमास्टर या पावर डायरेक्टर जैसे मोबाइल एप्लीकेशन में वीडियो एडिट करते हैं। वहां पर कलर ग्रेडिंग के नाम पर हमें सिर्फ 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, यही 3 चीजें एडजस्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन गाइज, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसके यूज से आप अपनी वीडियो को एकदम फोटो की तरह एडिट कर पाओगे। मतलब फोटो में जैसे आप शैडोज को, हाइलाइट्स को, शार्पनेस को एडजस्ट कर लेते हो और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक उसी तरह आपको इस एप्लीकेशन में वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनके थ्रू आप अपने वीडियो की कलर ग्रेडिंग बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर पाओगे। तो चलो यार, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से सीख लेते हैं कैसे आपको अपने मोबाइल फोन के थ्रू कलर ग्रेडिंग करनी है। तो गाइज, ये है वो क्लिप जिसके कि हम कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो कलर्स हैं वो बहुत ही फेडेड दिख रहे हैं और जो हाइलाइट्स हैं वो भी बहुत ही कम नजर आ रहे हैं। लेकिन गाइस, जब हम इसकी कलर ग्रेडिंग कर देंगे तो यही वीडियो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। अभी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए गाइस, आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे आ जाना है, यहाँ पे सर्च करना है 3D LUT। तो गाइस, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिलता है ओपन गैलरी का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। आपका फाइल मैनेजर यहां से ओपन हो जाएगा। अब हम अपनी उसी वीडियो को यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। सो हमने उसी वीडियो को यहां पर इंपोर्ट कर लिया है जिसकी कि हम कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। अब गाइस, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसा कि फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, व्हाइट बैलेंस, टिंट, सैचुरेशन, ये सब एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। उसी तरह इस एप्लीकेशन के थ्रू आप वीडियोस में भी ये सब एडजस्ट कर सकते हो। सो सबसे पहले गाइस, हम क्या करेंगे, यहां पर गाइस आप देख सकते हो हमारी वीडियो की जो ब्राइटनेस है वो काफी ज्यादा है। तो सबसे पहले हम इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करेंगे। सो हमने इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दिया है। अभी आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा अच्छा लुक दे रहा है। इसके बाद कॉन्ट्रास्ट को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे जैसे कि कलर्स थोड़े अच्छे दिखने लगे। व्हाइट बैलेंस में आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा सा वार्म लुक आ रहा है, और अगर हम इसको कम कर देते हैं ये थोड़ा कूल लुक आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा कूल ही रखेंगे। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको टिंट को आप बढ़ा घटा सकते हो। अगर आप इसे ऊपर करोगे तो आप देख सकते हो हल्का सा रेडनेस आ जाएगी आपकी वीडियो में, जो कि आपकी वीडियो को काफ़ी अच्छा लुक देती है। और अगर आप इसे विंटर वाला लुक चाहते हो तो इसको आप नीचे भी कर सकते हो। तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीनरी चाहता हूँ तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे डाउन रखूंगा। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको सैचुरेशन का ऑप्शन मिलता है। तो सैचुरेशन से आपकी वीडियो में कलर्स थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो बहुत ही हल्की हल्की आ रही है, तो हम इसकी सैचुरेशन को बढ़ा देंगे। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो हमारी वीडियो में जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ चुके हैं, क्योंकि मैंने इसकी सैचुरेशन को 37 तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आपको ब्लैक्स एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है आपकी वीडियो में। जो भी ब्लैक एलिमेंट है उनको आप कम ज़्यादा कर सकते हो उसकी ब्राइटनेस को। तो यहाँ पर हम ब्लैक को एडजस्ट करेंगे। सो ऑलमोस्ट ब्लैक सही है, तो हम इसको कुछ नहीं छेड़ते हैं। सो बस गाइस, इस तरह से आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर लीजिए अपनी वीडियो के नीड के हिसाब से। उसके बाद गाइस, आप स्टिक पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सेव टू गैलरी का, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और गाइस हमारी वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइस, हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ कि इसका जो कलर है वो किस तरह से हो चुका है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो हमारी वीडियो की जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं और हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे रही है। और गाइस, पहले आप देख सकते हो किस तरह से हमारी वीडियो का कलर था, और अब आप देख सकते हो किस तरह से हमने इसको कर दिया है इस एप्लीकेशन के थ्रू। सो इस तरह से गाइस, आप अपनी वीडियोज़ में कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। कलर ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देता है आपकी वीडियो को। अगर आपकी वीडियो लो क्वालिटी में शूट हुई है तब भी आपकी वीडियो को आप काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हो। सो गाइज, आई होप अब आप समझ ही होंगे किस तरह से आप अपने मोबाइल फोन से वीडियोस की कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। कलर ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज अगर आपने अपनी वीडियो की कलर ग्रेडिंग अच्छे से कर ली तो चाहे आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत लो क्यों ना हो, फिर भी आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लुक देती है। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो यार तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।